हाँ, ये जो आपके पास प्रॉब्लम है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक मेरे पास और प्रॉब्लम है, सेम एज सी है कि एक मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पे गिवेन है 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ये मेरे पास एक प्रॉफिट फंक्शन गिवेन है, आपके पास सब्जेक्ट टू यानी एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी इसको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन आपको 100 यूनिट से ज़्यादा उत्पादन नहीं करना। अब आपको बताना कि एक्स का हम कितना उत्पादन करें एंड वाई के उत्पादन कितना करें ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो चलिए, इस तरह के प्रश्न सेम वैसे प्रश्न है कि आपके पास प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है और इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हो, यानी यही ऑब्जेक्टिव आपका फंक्शन है। सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट को लेकर के आपको काम करना है कि आपको 100 यूनिट से ज़्यादा उत्पादन नहीं करना है। 2x प्लस वाई आपका बजट, आपका ये प्रोडक्शन या आउटपुट कॉन्स्टेंट दिया गया है, यानी उत्पादन की सीमा दी गई है, ठीक है। उत्पादन की सीमा दी गई है, ये आपको एक्स एंड वाई का ही उत्पादन करना है, ये नहीं कि वाई एंड जेड का आप उत्पादन करने लगो, नहीं। और आपको 100 इकाई से ज़्यादा उत्पादन नहीं करना ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो मैंने बोला कि जो आपका सब्जेक्ट यानी कॉन्स्टेंट जो होता है उसको पहले आप रीअरेंज करेंगे, तो 100 पहले लिख लेंगे, माइनस 2x लिख देंगे, माइनस वाई लिख देंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर आप इसको कंबाइन करेंगे किससे, लैग्रेंज मल्टीप्लायर से। लैग्रेंज मल्टीप्लायर से जब हम कंबाइन करेंगे, सॉरी, तो 100 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मैंने लैग्रेंज मल्टीप्लायर से कंबाइन कर दिया। अब मैं लैग्रेंज फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। लैग्रेंज फंक्शन बनाने के लिए जेड इक्वल टू, सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन को आप ले लोगे, 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है। प्लस आप क्या कर दोगे, इस फलन को आप यहां पे नोट कर लोगे, लैम्डा ब्रैकेट में 100 माइनस 2x माइनस वाई, ये आपके पास लैग्रेंज फंक्शन बन गया है। चलिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तीन वेरिएबल यहां पर भी है, लेकिन मेन वेरिएबल 2 है, एक्स एंड वाई। लैम्डा तो जबरदस्ती आ गया है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन मेन जो रोल है वो एक्स एंड वाई का रोल है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस आपके पास वाई हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और माइनस 2 को आप क्या करेंगे, माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। अब आप क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। y के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एंड आपके पास माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। एंड अब आप लैम्डा के साथ काम करिए, तो लैम्डा के साथ काम करेंगे तो 100 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। अब इन समीकरण को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका यह है कि समीकरण 2 को यदि 2 से गुणा कर दें तो 2 लैम्डा हो जाएगा। अब फिर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो भी निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो लैम्डा कट जाएगा तो भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता कि आप किस पे महारत हासिल है, आप सब्ट्रैक करने में ज़्यादा पसंद करते हो या डिवाइड करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो चलो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, सब्ट्रैक कर लेते हैं। तो मैं समीकरण 2 में क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 को ऊपर लिख लेता हूँ तो 2 की जगह 2 लिख देता हूँ, x के ऊपर चलो y लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है, y एंड आपके पास है 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, नोट हो गया। चलो अब घटाने पर इसलिए घटाते ताकि सिंबल चेंज हो जाएगा तो कट जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका 2 लैम्डा कट गया। अब आपके पास 2x हो गया, ऊपर का प्लस y हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। अब आपके पास y को उधर ले लीजिए तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान इन द आ गया
एक्स के रिस्पेक्ट में जो आया 2x आया। चलो इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या है 100 माइनस 2x माइनस y इक्वल टू 0। चलिए y का मान रख देते हैं, तो 2x माइनस का 2x है, ये आपका 100 है, इक्वल टू 0 है, माइनस 2x 2x 4x हो जाएगा। तो 100 माइनस 4x इक्वल टू 0, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 25। एक्स का मान अब पुनः फिर से समीकरण 3 में रख दो तो क्या हो जाएगा 25 दुना 50, यानी वाई का मान 50 आ जाएगा, वाई का मान 50 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आप देखिए अगर समीकरण नंबर 1 और या 2 में हम रख देते हैं एक्स का मान, तो एक्स का मान मेरे पास कितना 25, एक 26, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, वो भी धनात्मक आ गया। अब देखो यहां पर टेस्ट कर लो कि x का हम 25 है, 25 दून 50 और 50 यानी 100 इकाइयां, यानी ये बता रहा फंक्शन लैग्रेंज मल्टीप्लायर से जो हमने सॉल्यूशन निकाला कि x का हम 25 इकाइयों को उत्पादन करेंगे एंड y की 50 इकाइयों को उत्पादन करेंगे, तो हमारा जो गिवन टारगेट है वो 100 पूरा हो जाएगा, जो सीमा दी गई है वो हमारा पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ इस लेवल पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेते हैं इस आउटपुट लेवल पर प्रॉफिट का मान बताइए, तो आप उठा करके एक्स का मान वाई का मान इस प्रॉफिट फंक्शन में रख देना, प्रॉफिट का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का मान निकल के आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए एग्जाम में कि व्हाट विल बी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मान निकालने के लिए आप यहां पर रख देंगे। और ये जो आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर यहां पर 26 आया है, ये बता रहा कि अगर एक इकाई उत्पादन हम बढ़ाते हैं 100 से 101 उत्पादन कर देते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 26 इकाइयां बढ़ जाएगा, 26 इकाइयां बढ़ जाएगा। अब आप में से एक कह रहे हो कि सर हम 101 इकाई क्यों नहीं कर रहे जब 26 बढ़ रहा है। नहीं जी, हमको ठेका ही 100 का मिला है, हम तो चाह रहे हैं कोई अच्छी जगह हमको काम मिल जाए जहां पे 102 100, क्योंकि लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेरा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि मुझे काम तो मिले, मैं 100 नहीं 200 यूनिट काम करना चाहता हूं, 300 यूनिट काम करना चाहता हूं, लेकिन इस यूनिट को मैं बेचूंगा कहां। इसलिए एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो जितना यूनिट का ठेका रहता है उस पर वो कितनी इकाइयों का उत्पादन करे ये फंक्शन मुझे बता देता है, और लैग्रेंज मल्टीप्लायर से उससे ये पता चल जाता है कि अगर एक इकाई और बनाना होगा तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, अब मेरे पास ये देखिए हमने इसके रिजल्ट को समझ लिया, रिजल्ट कहना क्या चाहता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं सेकेंड ऑर्डर में कि क्या ये मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा या नहीं कर रहा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर हसैन टेस्ट पे चलते हैं। बॉर्डर हसैन टेस्ट में वही चीज आपको करना है, सबसे पहले आपको 100 माइनस 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये जो आपके पास बजट आपके पास आउटपुट कंस्ट्रेंट है उसको लेकर के रखना है। ठीक है, अब बॉर्डर हसैन टेस्ट में आप जानते हो अभी मैंने आपको बात की है प्रिंसिपल GCX CY CX एंड CY। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हम लोग रख लेते हैं, इन वैल्यूज़ को रखने पे पहले प्रिंसिपल माइनर 0, CX यानी इस फलन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, तो -2 हमने रख दिया। फिर इस फलन को हमको CY की वैल्यू निकालनी है तो y के रिस्पेक्ट में -1 आ जाएगा, इसी वैल्यू को यहां रख दो। चलो अब आ जाओ fxx fyx आपका एफ एक्स वाई एंड एफ वाई वाई, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने गलत जगह, कोई बात नहीं, अच्छा चलो ये इसको हम मिटाते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो अब आपके पास है एक्स वाले फलन पे चलते हैं, इसको एक्स के रेस्पेंड नहीं है, देखिए एक्स यहाँ पर एक्स नहीं है तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, एफ वाई एक्स इसी फलन में वाई के रेस्पेक्ट में तो वन आ जाएगा, ये लो वन। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब वाई फंक्शन पे चलते हैं और इसमें वाई नहीं है एक्स है, एक्स है तो वन आ जाएगा, और अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं जीरो आ जाएगा। चलो अब चलो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आपका जीरो करली ब्रैकेट लगा, आपका पहला रो पहला कॉलम लॉक हो गया, जीरो से जीरो
जीरो इंटू जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस माइनस टू। ये माइनस आपका फार्मूले का है, ये माइनस आपके यहाँ पे जो आपका डिजिट दिया गया कोएफिशिएंट के वैल्यूज उसको हमने रखा है। अब आपको पास यहाँ पर ये आपका कॉलम लॉक हो गया, पहला रो लॉक हो गया, तो माइनस टू इंटू जीरो, माइनस टू इंटू जीरो, माइनस वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन, फिर आपके पास हो जाएगा माइनस वन, करली ब्रैकेट, ओफो हाँ, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद आपका माइनस टू इंटू वन माइनस, अब आपके पास क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा, चलो ये पूरा जीरो जीरो, यहाँ पर टू प्लस का हो जाएगा, चलो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन वन जा वन हो जाएगा, तो वन टू जा टू टू ही रहेगा, ये पूरा टू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू हो जाएगा, फोर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान धनात्मक आया, अतः हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 25 एंड वाई इक्वल टू 50 पर आपका प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमाइज को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर बॉर्डर साइंटिस्ट से हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल गए और हमने सफिशियंट कंडीशन को भी प्रूफ कर दिया है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कभी कभी फंक्शन इतना परेशान करने वाले मिल जाते हैं कि आप सेकेंड ऑर्डर के चक्कर में मत पड़ना, नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करना अनिवार्य होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सफिशियंट को मान के चलना कि टाइम हो और आप अगर सक्षम है तो जरूर करिएगा, अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट से ही आपका वहाँ पर एक रिजल्ट चेक कर लिए जाते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट में ये माना जाता है कि कंप्लीट आंसर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो अब